क्या था मैकडॉनल्ड अवार्ड। मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के बाद हुई थी। बाबा साहेब ने अंग्रेजों के सामने अछूतों की हालत और उनके साथ होने वाले व्यवहार को बयां करते हुए उनके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने छुआछूत जैसी बीमारी का जिक्र करते हुए अपने मजबूत तर्कों और दलीलों को रखा, जिसके बाद अंग्रेजों ने विश्लेषण कर अछूत वर्ग को 2 वोटों का अधिकार दिया, जिसमें 1 वोट से अछूत अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने के लिए था। यह भी कहा जा सकता है कि अछूतों का प्रतिनिधित्व केवल अछूतों के वोट से ही चुना जाना था। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके लागू होने के बाद अछूतों का अपना प्रतिनिधित्व खुद चुने जा सकते थे। उनके प्रतिनिधि चुनने के सर्वणों का किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होता, लेकिन अछूत अपने दूसरे वोट से सर्वक्षण का प्रतिनिधि चुन सकते थे। 2 वोट का अधिकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था अछूतों के लिए, जिससे भारत के इतिहास में अछूतों को पहली बार राजनीतिक स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त हुआ, जो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड अवार्ड के अंतर्गत अछूतों को शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की भी बात की थी। यह था वो मैकडॉनल्ड अवार्ड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।